चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो कि सभी लोग खरीदना पसंद करते हैं और सभी के घरों में वो कम या ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं सोने की। तो दोस्तों क्या जो आप पैसे किसी सुनार को देते हैं वो सुनार बदले में आपको जो ज्वेलरी दे रहा है वो क्या शुद्ध है? तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि सभी सुनार ऐसी धांधलेबाजी करते हैं, लेकिन कुछ गिनती के सुनार हैं जिन्होंने ये धंधा बना रखा है। आपको वो 23 या 22 कैरेट का सोना बोल करके 15 से 16 कैरेट ही सोना मिलता है, यानी उसमें जो मिलावट होती है वो चांदी और तांबे की मिलावट होती है। आप कभी भी जेवर बनाने जाएंगे तो 24 कैरेट की शुद्धता का कोई भी जेवर नहीं बनता। जो सही गहना है उसके अगर कैरेट की बात करें तो वो होता है 22 कैरेट का। तो दोस्तों उसमें कुछ अंश चांदी और कुछ अंश तांबा मिलाकर के ही ज्वेलरी तैयार की जाती है, तभी वो ज्वेलरी बन पाती है। तो दोस्तों इसी का फायदा सुनार लोग उठाते हैं जो ये धांधलेबाजी करते हैं। सभी सुनारों की बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं, कुछ की कर रहा हूं जो ये धांधलेबाजी करते हैं। दोस्तों सरकार ने इसीलिए कहा है कि आप जब भी कोई ज्वेलरी खरीदें, होलमार्क ज्वेलरी खरीदें, आपने जो सोना खरीदा है जितना आपने दाम दिया है उतने ही कैरेट का सोना आपको मिला है, तो ये प्रमाणित आपके पास होलमार्क ज्वेलरी जो होती है वो हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में मैं एक सुनार की दुकान पर, जो कि काफी जानी मानी दुकान है, वहां पर गया था। वहां पर हमने कुछ अपने पुराने जेवरों को दिखाया और उसके बाद जो उन्होंने स्कैनिंग करी है एक्सरे मशीन में डाल करके उसके कैरेट की वैल्यू निकाली है, वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। उसकी पूरी वीडियो मेरे पास है। तो दोस्तों कभी भी आप सोना खरीदते हैं तो वो होलमार्क ही खरीदें और एक अच्छी दुकान से ही खरीदें, या अगर आप किसी अच्छे जानकार के जानते हैं तो उसी से खरीदें ताकि वो शुद्धता की गारंटी आपको दे सके। तो दोस्तों सोना या ज्वेलरी आदमी इसीलिए बनाता है कि कभी किसी बुरे टाइम पर उसको अगर जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल वो कर सके। इसीलिए लोग सोने पे, या हमारे जो पुराने बुजुर्ग कह के गए हैं कि अगर इन्वेस्ट करना है या पैसे को कहीं डालना है तो सोने में डालें। और बात करें पूरे वर्ल्ड में तो सोने की जो सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है वो चाइना और भारत में होती है। सबसे बड़ा जो बायर है सोने का वो भारत और चाइना ही है। तो दोस्तों ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, वो वीडियो मैं इस में डाल रहा हूँ जिस किस तरीके से सोने को गला करके उसकी शुद्धता एक्सरे द्वारा निकाली जाती है। और अगर आपने कभी बिना होलमार्क का ज्वेलरी खरीदा है तो आपके साथ भी ये फ्रॉड हुआ होगा। तो चलिए वो वीडियो देख लीजिए आप लोग। कोई नहीं कोई नहीं। जो छोटे से है ना ये वाले क्या चीज होती है? कॉटन होता है सर। नहीं नहीं ये पाउडर जो है कॉटन, ये कॉटन है क्या? पाउडर पाउडर ये ना। अच्छा ये तो सुहागा होता है। अच्छा भाई फोन करना ना, एक कप चाय।
स्पेशल कॉफी। ये छोटा वाला है सर, ठीक है। इसमें जो वेट का वेरिएशन आएगा थोड़ा वो दस ज्यादा वही जाएगा सर, है बाकी सही में रहेगा। सोलह का रेट आ गया ना, 15767 65.69 यही आता वैसे तो आपका 15 का रेट। इसके साथ भी और क्लब डिस्काउंट क्लब लेकर, लेकिन ये स्कीम लेके आए ऑलरेडी क्लब करके जाएगा।
आपको मेकिंग के हिसाब से कराए, आप मुझे घर में 37.56 में दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपने वीडियो देख ही लिया किस तरीके से गला करके और एक्सरे मशीन में डाल करके उसकी शुद्धता मापी जाती है और उसमें कितना परसेंट चांदी है और कितना परसेंट उसमें तांबा है और कितना गोल्ड है वो भी स्कैनिंग के द्वारा पता चल जाता है। और उसी हिसाब से बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप जब आप अपना सोना लेके जाते हैं तो वो उसको इसी तरीके से नापते और जाँचते हैं। दोस्तों अगर आपने हॉलमार्क ज्वेलरी ली होगी तो आपको धोखा नहीं मिलेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों अगर आप कीमत दे रहे हैं अच्छी और आपको सोना नहीं मिल रहा है शुद्ध, तो ये कस्टमर के साथ धोखाधड़ी होती है। दोस्तों अगर आप पैसा पूरा दे रहे हैं तो आपको शुद्ध चीज़ मिलनी ही चाहिए, इसीलिए आप हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदें। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।